फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि एज लॉन्ग एज क्या है। और मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये पूछते हैं कि एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज में क्या फर्क है, क्या ये इंटरचेंजेबल है या नहीं। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। सबसे पहले हम एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज के कुछ सेंटेंसेस देखेंगे और इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज में क्या फर्क है। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज मींस जब तक तब तक। यानी अगर आपको एक ऐसा सेंटेंस मिले जहां आपको कहना हो जब तक तब तक, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, हमारा पहला एग्जांपल है, जब तक तुम गुनाह करोगे तब तक तुम परेशान रहोगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जब तक की इंग्लिश एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए आपको सिर्फ कॉमा देना होगा। यानी तब तक के लिए आप कोई इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे जब तक तुम गुनाह करोगे एज लॉन्ग एज यू सिन, तब तक तुम परेशान रहोगे कॉमा यू विल बी इन प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं, सो लॉन्ग एज यू सिन कॉमा यू विल बी इन प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज आप दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इन दोनों में कुछ फर्क है जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है, जब तक तुम यहाँ ठहरना चाहो तुम ठहर सकते हो। तो इसकी इंग्लिश होगी एज लॉन्ग एज, यानी जब तक के लिए आप लिखेंगे एज लॉन्ग एज। आप एज लॉन्ग एज की जगह पर सो लॉन्ग एज का भी यूज कर सकते हैं। तुम यहाँ ठहरना चाहो यू वॉन्ट टू स्टे हियर, तुम ठहर सकते हो यू कैन। यानी जब तक तुम यहाँ ठहरना चाहो तुम ठहर सकते हो। एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट टू स्टे हियर यू कैन। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, सो लॉन्ग यू वॉन्ट टू स्टे हियर यू कैन। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो जब तक तुम चाहो आराम कर सकते हो, आप कहेंगे टेक रेस्ट एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। आप ये भी कह सकते हैं, सो लॉन्ग एज यू वॉन्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो जब तक तुम यहाँ रहना चाहो तुम रह सकते हो, आप कहेंगे एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट टू लीव हियर यू कैन। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, सो लॉन्ग एज यू वॉन्ट टू लीव हियर यू कैन। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो आप कहेंगे एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीड नॉट टू वरी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो जब तक तुम एक रिक्शे का इंतजार करोगे तुम स्टेशन पहुंच जाओगे, आप कहेंगे एज लॉन्ग एज यू वेट फॉर अ रिक्शा यू विल रीच द स्टेशन। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो जब तक मैं पैसा कमा सकता हूँ मैं कमाऊंगा, तो आप कहेंगे एज लॉन्ग एज आई एम एबल टू अर्न मनी आई लर्न। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, सो लॉन्ग एज आई एम एबल टू अर्न मनी आई लर्न। आइए फ्रेंड्स देखें कि एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज में क्या फर्क है। फ्रेंड्स, एज लॉन्ग एज का एक मीनिंग उतना जितना भी होती है। जैसे द स्नेक इज एज लॉन्ग एज माई हैंड, सांप उतना बड़ा था जितना कि मेरा हाथ। और फ्रेंड्स, मेरा दूसरा एग्जाम्पल है, द स्नेक वॉज सो लॉन्ग एज माई हैंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज में यही फर्क है कि एज लॉन्ग एज का यूज आप कंपैरेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। यानी एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल कंपैरेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, लेकिन अगर हम बात सो लॉन्ग एज की करें तो सो लॉन्ग एज का इस्तेमाल कंपैरेटिव वाले सेंटेंसेस में नहीं किया जाता है। इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है और ये सेंटेंस करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह बात आप याद रखेंगे कि एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल आप कंपैरेटिव वाले सेंटेंसेस में कर सकते हैं, लेकिन सो लॉन्ग एज का इस्तेमाल आप कंपैरेटिव वाले सेंटेंसेस में नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर 3 सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 3 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही यूज किया या नहीं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।